नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है नया मेडिकल कॉलेज के बारे में, सीट इंक्रीज़ होने के बारे में, जो मुझे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना है। तो यह आर्टिकल लिखा गया है, इसमें यह लिखा है कि MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस साल परमिशन दे दिया है 37 न्यू मेडिकल कॉलेज को। इन 37 न्यू मेडिकल कॉलेज में टोटल सीट्स रहेगी 4,500। ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि MCI ने इन कॉलेज को परमिशन दे दिया है। इसका यह भी मतलब रहेगा कि आप सभी स्टूडेंट को इस साल 2019 के एकेडमिक ईयर में ही इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हम देख लेते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स अवेलेबल है। विथ ए गोल टू प्रमोट मोर डॉक्टर्स, द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज 4,500 सीट्स दिस ईयर इन द MBBS कोर्स इन द मेडिकल कॉलेजेस, increasing the number of seats in the existing medical college and approving 37 new medical college. तो यहाँ पर 37 new medical college हैं, पहले से जो existing medical college हैं उनमें seat increase हो रही है और यहाँ पर total 4,500 MBBS seats increase हो रहे हैं। MCI has increased 850 seats in the existing college with putting a ban on 6 college for admission this year. तो 6 मेडिकल कॉलेज में इस साल एडमिशन नहीं होगा। MCI ने 6 मेडिकल कॉलेज को इस साल एडमिशन के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि इनमें एजुकेशन की क्वालिटी ठीक नहीं है। स्टूडेंट को जो है फ़ायदा नहीं होगा अगर वो इन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो 6 मेडिकल कॉलेज बैन हुए हैं, 37 न्यू मेडिकल कॉलेज हैं, पहले से जो कॉलेज हैं उनमें सीट भी इंक्रीज़ हो रही है। ये जो टोटल हो रहा है 4,500। तो इतना सा खबर मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।